मूवी की स्टार्टिंग अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके से होती है और तभी हम वहां तीन साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी रिसर्च कर रहे थे, पर तभी वो देखते हैं कि उनको हैवी रेडिएशन मिल रही है कहीं से और उनके नीचे की बर्फ तभी टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे बहुत अंधेरा होता है तो वो कार के हेडलाइट्स ऑन करते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक UFO है, जिसे देख वो हैरान हो जाते हैं। वो एक सिग्नल भेजते हैं अपने रिसर्च सेंटर और वहां से एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने जाता है। वहां हम देखते हैं कि वहां और भी साइंटिस्ट हैं। वो उनको सारी बात बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, तो वो उनसे कहते हैं कि हम वहां जाके सारी छानबीन करेंगे और अपने साथ एक पैलेंटोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं जिसका नाम केट होता है। केट और बाकी साइंटिस्ट वहां जाते हैं और वो भी उसे देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा UFO उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो सभी उसकी चेकिंग करने लगते हैं और तभी उन्हें वहां एक क्रिएचर बर्फ में जमा हुआ मिलता है। उसे देख केट के दिमाग में कुछ चलने लगता है। फिर वहां की छानबीन के बाद वो वापस सेंटर आते हैं और वो सभी से कहती है कि हमें उस क्रिएचर को अपने साथ लाना होगा ताकि हम उसकी रिसर्च कर सके और ये रिसर्च काफी बड़ी साबित हो सकती है। कैट की बात मानकर सभी उस क्रिएचर को लेने के लिए जाते हैं और जब उसे लेकर अपने सेंटर पर आते हैं तो सभी देखते हैं कि ये कितना बड़ा है और तभी वहाँ एक साइंटिस्ट आता है। वो उसका एक सैंपल लेने की बात करता है क्योंकि उसे सबसे पहले उसकी रिसर्च करनी थी, लेकिन कैट मना कर देती है। वो कहती है कि ये कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि ये एक एलियन क्रिएचर है और हमें नहीं पता कि ये क्या कर सकता है, ये जिंदा है या मर गया है। लेकिन वो उसकी एक ना सुनते हुए कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। फिर कैट उसे कुछ नहीं कहती और वो उसका एक सैंपल ले लेता है और उस पर रिसर्च स्टार्ट कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी उस क्रिएचर के पास जाता है, उसे ध्यान से देखने लगता है कि ये क्या है, पर तभी वो क्रिएचर बर्फ तोड़कर वहां से चला जाता है। वो आदमी बाहर आकर सभी को ये बात बताता है और सभी उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए उन्हें उनके डॉग की आवाज आती है। वो वहां जाके देखते हैं तो उन्हें उनका डॉग बहुत बुरी हालत में मिलता है और वो समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर का ही काम है। और तभी क्रिएचर वहां आ जाता है और कैट के साथ जो साइंटिस्ट आया था वो उस पे अपने टेंटिकल से अटैक करके अपनी तरफ खींचकर उसे खा जाता है, जिससे कि उसी के साथ खड़े एक आदमी के फेस पर खून गिरता है और डर के वो सभी को वहां बुलाता है और वो सब भी उसे देखकर डर जाते हैं। और तभी उनमें से एक साइंटिस्ट फायर गन से शूट करके उसे मार देता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट कहता है कि अब हमें तभी कुछ पता चलेगा जब इसकी ऑटोप्सी होगी। उसके बाद कैट उसकी ऑटोप्सी करती है। उसी दौरान उसे अपने फ्रेंड की बॉडी भी मिलती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ था बल्कि उसकी बॉडी के सेल्स डेवलप हो रहे थे और उसे उस क्रिएचर के अंदर एक लोहे की रॉड भी मिलती है जो उसी साइंटिस्ट की थी जो मर गया था। वो रॉड उसके हाथ में लगी हुई थी, लेकिन हाथ में अंदर लगी रॉड बाहर कैसे आ सकती है? तो फिर कैट अपने फ्रेंड के ब्लड को टेस्ट करने लगती है और वो देखती है कि उसी क्रिएचर के कुछ सेल्स उसके फ्रेंड्स के बॉडी में जिंदा हैं, जो उसके सेल को भी अपनी तरह बना रहे हैं। ये देख वो डर जाती है क्योंकि इससे वो क्रिएचर उस साइंटिस्ट की बॉडी में वापस जिंदा हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिस साइंटिस्ट के फेस पर खून गिरा था वो बहुत बीमार हो रहा है, इसलिए उसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। पर तभी कैट वॉशरूम जाती है, वहां उसे कुछ मेटल के पीस मिलते हैं जो कि दांतों पर लगाए जाते हैं और वहां उसे बहुत सारा ब्लड भी मिलता है। तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड की बॉडी का भी रॉड उसकी बॉडी से बाहर था, इसका मतलब हेलीकॉप्टर में जो भी 3 या 4 आदमी गए हैं उनमें से एक इन्फेक्टेड है जो कि कभी भी क्रिएचर बन सकता है और वो बाकियों को भी मार देगा। तो वो तुरंत भागकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने जाती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, उनमें से एक आदमी के अंदर से वो क्रिएचर निकलने लगता है और वो सभी पर हमला कर देता है जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है। अब कैट फिर से एक बार वॉशरूम जाती है, लेकिन इस बार वहां सब कुछ साफ था तो वो समझ
जाती है कि यहाँ भी कोई है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसने ये सब साफ किया है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता। तो वो बाहर जाकर सभी से पूछती है कि वॉशरूम किसने साफ किया, तो उनमें से कोई नहीं बोलता। तो कैट कहती है कि सभी को अपना ब्लड टेस्ट कराना होगा ताकि हमें पता चल सके कि कौन इन्फेक्टेड है और उससे बाकी सबको भी बचाया जा सके। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन कैट कहती है कि पहले टेस्ट होगा। और तभी वहां एक लड़की आती है, कैट को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के बॉडी में बहुत अजीब सी मूवमेंट होने लगती है और तभी उसके अंदर से एक क्रिएचर बाहर आता है और वो कैट पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरीके से अपने आप को बचा कर वहां से भागती है। पर तभी वहां उसका एक फ्रेंड आ जाता है और वो क्रिएचर को फायर गन से जलाकर मार देता है। अब कैट को ये तो पता चल जाता है कि कौन इन्फेक्टेड था, लेकिन फिर भी सभी को सेफ्टी के लिए कैट ब्लड टेस्ट करने को कहती है। और तभी हम उन दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस हेलीकॉप्टर में थे जो कि क्रैश हो गया था, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं और सेंटर पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनको सबसे अलग रखा जाता है, लेकिन अब भी एक इन्फेक्टेड आदमी बाहर था और अपने आप को बचाने के लिए वो उस रूम में आग लगा देता है जिसमें ब्लड सैंपल रखे हुए थे। अब कौन इन्फेक्टेड है ये कैसे पता चलेगा? तभी उसे एक तरीका याद आता है कि उस क्रिएचर को मेटल पसंद नहीं है, तो वो सभी को बारी बारी चेक करती है। उनमें से चार लोग होते हैं जिनकी बॉडी में मेटल नहीं था, इसका मतलब उन्हीं में से कोई इन्फेक्टेड है। उसके बाद वो उन दो साइंटिस्ट को बुलाती है जो कि अलग रह रहे थे। उन दोनों में से एक सैम होता है। जब बाकी लोग उन दोनों को लेने जाते हैं तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और सैम का साथ ही उन पे फायरिंग करने लगता है और उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उसी दौरान एक आदमी घायल हो जाता है। फिर दो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं, पर तभी उसका एक हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है जो कि एक क्रिएचर था। वो उसी आदमी पर हमला कर देता है जो उस आदमी को पकड़कर ला रहा था और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। तभी उस घायल आदमी की बॉडी में से एक टेंटिकल निकलने लगता है और वो सैम के साथी पर हमला करके उसे भी मार देते हैं। फिर वो क्रिएचर कैट के फ्रेंड की तरफ बढ़ता है, उसे भी इन्फेक्टेड करने लगता है, पर तभी कैट फायर गन से उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो उन सभी को जला देती है जो जो इन्फेक्टेड हो गए थे। अब वहां पर बस कैट और सैम बचते हैं। वो दोनों उस क्रिएचर को साथ मिलकर वहां ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो उन्हें मिलता है वो उसे जलाने लगते हैं, पर वो क्रिएचर अपने आप को बचाने के लिए बाहर बर्फ में गिर जाता है। लेकिन कैट एक पल के लिए भी नहीं रुकती, वो उसे जब तक जलाती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो सबसे छुपकर वहां से भाग रहा था, यानी वो भी इन्फेक्टेड था। कैट और सैम उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वो उसी UFO तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो साइंटिस्ट पूरी तरह एक क्रिएचर में बदल जाता है और उन पर हमला करने लगता है और इसी बीच वो UFO को भी स्टार्ट कर लेता है। अब कैट और सैम उससे लड़कर तो जीत नहीं सकते थे, तो वो उसे बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद कैट बॉम्ब लेकर उसे रोकने जाती है और जैसे ही वो क्रिएचर उस पे हमला करने आता है तो वो उस बॉम्ब को उसके मुंह में फेंक देती है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट में वो क्रिएचर और UFO दोनों जल जाते हैं। अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर तभी सैम घबराते हुए कहता है कि इस फायर गन को पीछे रख देते हैं। कैट को उस पे भी शक होने लगता है और तभी उसका ध्यान उसके इयररिंग पर जाता है जो उसने पहले दूसरे कान में पहन रखा था और ये बात जब वो सैम से कहती है तो वो डरते हुए कहता है कि ये स्टार्टिंग से इसी कान में है। कैट समझ जाती है कि झूठ बोल रहा है, ये इयररिंग मेटल का नहीं बल्कि नॉर्मल है जो कभी भी उतारा जा सकता है। ये इसने इसलिए पहन रखा है ताकि किसी को पता ना चले कि सैम भी इन्फेक्टेड है। लेकिन वो कैट से बच नहीं पाता और कैट उसे भी फायर गन से जलाकर मार देती है और वो दूसरी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहां आता है चेक करने के लिए कि वहां कोई और सर्वाइवर तो नहीं है, पर तभी एक आदमी अंदर से एक गन लेकर आता है
और उन पे एम कर लेता है। उसके बाद वो चेक करता है कि वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं है। वो आदमी अंदर उसी क्रिएचर से डर के छिपा हुआ था जिससे कि वो बच जाता है। पर तभी हम एक डॉग को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। ये वही डॉग होता है जिसपे क्रिएचर का सबसे पहला हमला हुआ था और ये अब पूरी तरह क्रिएचर के वश में था। उसके बाद हम देखते हैं कि वही आदमी उस डॉग को गन से शूट करके मार देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।